आज ही के दिन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट के तट पर जामोरिन से पहली बार मिले। 1545 में आज ही के दिन पेशावर से कलकत्ता तक सड़क का निर्माण करने वाले सूर वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी की मौत हुई। आज ही के दिन 1761 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा पॉलिसी जारी की गई। 1772 में आज ही के दिन सामाजिक धार्मिक सुधारकों में से एक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की और बाल विवाह और सती प्रथा कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आज ही के दिन 1859 में स्कॉटिश लेखक और भौतिक शास्त्री सर आर्थर कॉनन डॉयल का जन्म हुआ था। सर आर्थर कॉनन डॉयल अपने फिक्शन किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब शेरलॉक होम्स है। आज ही के दिन 1906 में राइट बंधुओं ने अपनी फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका से पेटेंट हासिल किया। 1936 में आज ही के दिन भारत के पहले स्टेडियम ब्रेबोर्न स्टेडियम का बॉम्बे में शिलान्यास हुआ। 1939 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के बीच स्टील की संधि पर हस्ताक्षर हुए। आज ही के दिन 1940 में अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित क्रिकेटर ईएएस प्रसन्ना का जन्म हुआ। 1960 में आज ही के दिन सदर्न चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ये अब तक का आया सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। 1961 में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया और वर्ष 1965 में पहला पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। आज ही के दिन 1972 में रिचर्ड निक्सन रूस की यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। 1992 में आज ही के दिन बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। और आज ही के दिन 2012 में जापान में टोक्यो स्काईट्री टावर को खोला गया।